हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर 1 को ओवरव्यू करेंगे और इसके अलावा हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करें, तो आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मार्क नहीं करेंगे, इसके अलावा किस तरह से किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज़ भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखें साथ में, जिससे यहाँ पर मैं डिस्कशन करती रहूँ तो आप साथ साथ उसको मार्क करते रहें। तो अगर आपने बुक खोली है तो हम इसको बिगिन करते हैं। साइकोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, आज हम ले रहे हैं और ये पहला चैप्टर है। काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, बहुत कुछ है इनफैक्ट जो आपको पढ़ना होगा। काफ़ी चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप पेज नंबर 3 पर आएँ तो सबसे पहले जो इसके टॉपिक्स हैं उनमें आप देखिए कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मगर जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के संग कनेक्ट होकर आता है। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कभी भी कि साइकोलॉजी क्या है, ये आपसे कभी भी इस तरह से सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साइकोलॉजी क्या है, हमारी डेली लाइफ में ये कैसे कनेक्टेड है, देखिए जो लास्ट में एंड में आपका ये टॉपिक है कि साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से कनेक्ट करते हुए इसमें क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज़ साइकोलॉजी में। तो आपको चैप्टर पूरा ही पढ़ना होगा और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनके बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा बिहेवियर्स पर क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर इस चैप्टर से बनता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। आगे मैं आपको बताऊंगी, इसको नोट डाउन करके रखिएगा अपने माइंड में कि बिहेवियर्स पर हम आंसर्स कहाँ से फॉर्म करेंगे। आगे जो थीम्स आएंगी वहाँ पर हम इसका जिक्र करेंगे और एक जगह पर और बिहेवियर्स का जिक्र होगा। तो बिहेवियर का जो टॉपिक है वो कई जगह से पिक किया जाएगा इसी चैप्टर में से, इसको आप पॉइंट करके रखिए। फिलहाल बिहेवियर के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ हाईलाइट करने का मतलब नहीं है कि मतलब इतना ही रहेगा, जैसे इसमें ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर देख सकते हैं आप, ये देखिए ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर पर भी पूछा जाता है कि क्या होते हैं बिहेवियर, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये ह्यूमन फंक्शनिंग पर कैसे अपना डिफरेंस डालते हैं, तो इस तरह से वो आंसर्स आगे मिलेंगे हमें। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। आई होप आप मेरे साथ ही चल रहे हैं और मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ। तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में ये 3 टॉपिक आते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ना होगा और फिर आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ से कनेक्ट करते हुए, अपनी सोशल लाइफ से कनेक्ट करते हुए, नेचुरल साइंस से कनेक्ट करते हुए आप इसके आंसर्स को बहुत ईजीली लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, जैसे कि साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, तो हम ये जानते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड होती है, तो साइकोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस डिसिप्लिन फॉर्म करती है, उस पर फोकस करती है। तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है हम उन एग्जांपल्स की हेल्प से, उन टॉपिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी आप इस टॉपिक को जो हमारा चैप्टर 1 का वीडियो है उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ पर आप इसको देखिए। फिलहाल हम इसको लंबा डिस्कशन या नहीं कर सकते। अब अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखिए, मैंने पहले मार्क भी किया था कि यह कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, व्हाट इज़ माइंड, इज़ इट द सेम एज ब्रेन, यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। इस पर एक सेपरेट वीडियो है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाके चैनल की चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पर अब बिहेवियर वाली चीज़ जो है आएगी, किस तरह से आएगी, माइंड और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो 2 क्वेश्चन इस चीज़ से बन गए कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है और माइंड और बिहेवियर में रिलेशनशिप क्या है। ये आप देखिए इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं अपने साथ साथ कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक कुछ शायद मिस हुआ है, ये रहा पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया हुआ है, देर आर मेनी अदर कॉमन सेंस नोशंस विच यू मे नॉट फाइंड टू बी ट्रू। तो
आप जो हमारी जनरल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी के बारे में सोच लेते हैं कि ये शायद ऐसा होता होगा, पर वो ऐसा होता नहीं है। ये आप जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से आपको मिलेगी। तो इस पर आंसर लिखना इजी है। ऑल इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है कि मेंशन सम ऑफ द पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको अपने कॉमन सेंस से चीज़ें फ्रेम करनी है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देखते हैं जो हम डेली लाइफ में नोटिस करते हैं, जो साइकोलॉजी के बारे में ट्रू नहीं होती है, पर मिथ्स टाइप के होते हैं। तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। इसको मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ आपको थोड़ा हाईलाइट करनी थी, बतानी थी अलग से कि इस तरह से क्या ये टॉपिक के बारे में है एक्चुअली। आगे बढ़ते आते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पर। यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म के से कैसे कनेक्टेड है ये, बिहेवियरिज्म क्या है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है, ये आगे देखिए साइको एनालिसिस क्या है, ये कुछ मैंने टॉपिक्स मार्क किए हुए हैं। इन टॉपिक्स को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी किस तरह से आई। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखें कि पहली लेबोरेटरी सेटअप हुई थी जर्मनी में, विलियम वुंड साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो ये आपको पूरा ही पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी अपना अलग से सोच कर जनरल लाइफ के बारे में नहीं लिखना है, ये आपको पढ़ना है, समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं चल सकता। देखिए कुछ पॉइंट्स नीचे हैं, ये मुझसे किसी वीडियो में, एक वीडियो में मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि ये क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या हम इनको रटें या इनकी डेट्स याद करें। आपको इस तरह एज सच कुछ रटना नहीं है। हाँ, डेट्स जो होती हैं वो आपको ज़रूर समझनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए मैंने कुछ तो मार्क कर दिए हैं, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो सब कुछ भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप जब क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हैं वहाँ पर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विलियम वुड ने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी जर्मनी में सेटअप की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी उन्होंने पब्लिश करी है, या साइकोलॉजी के बारे में जब आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी क्या है, वहाँ पर थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की हिस्ट्री अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपके इस तरह से काम आ सकते हैं, ये डेट्स इस तरह से काम आ सकती हैं, ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। वैसे अगर आप सोचेंगे कि पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंड इन 1879 या ये कब हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं, लेकिन आप इनका यूज़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जिस तरह से यहाँ पर हमने बात करी एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ, उसी तरीके से इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अगला टॉपिक है। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और बल्कि कुछ क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे आप मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पर। यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में भी हमने चैप्टर शुरू करते हुए पे बात कही थी कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ये इजी है। तो आपको एक टर्म समझनी है, व्हाट इज़ कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉग्निटिव, टर्म क्या है ये, अगर आप इसको समझ रहे हैं देन दिस नो प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग दिस टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी, राइट। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, उसके अंदर न्यूरो साइकोलॉजी आती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जो डेवलपमेंट की बात करती है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी से बन जाता है कि मेंशन फ्यू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो आप वहाँ पर 10, 11, 12 जिस तरह से आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं उनके बारे में। तो ये अलग से भी आ सकता है और इंडिपेंडेंटली भी इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे बेनिफिशियल है, कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है, तो आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट बनता है ऐसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पर, शॉर्ट नोट में बनता है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है और हमारे एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा। उसके अलावा भी आप अगर इसका कंसेप्ट समझते हैं तो आप कनेक्ट करते हुए अपने आंसर्स को इजीली लिख सकते हैं। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजीज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप इसको मार्क करते चलिए साथ साथ, हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से जो भी हैं इनमें से, अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया है तो आपको इस पर चाहे डिफरेंस पूछा जाए, चाहे कंपैरिजन पूछा जाए, चाहे कुछ भी और पूछा जाए, आप इजीली बना सकते हैं, लिख सकते हैं।
देन कम्स थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. ये क्या है, रिसर्च की यहाँ पर बात हो रही है और फिर उस रिसर्च करने के बाद उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो थीम्स जो होती हैं साइकोलॉजी में. 5 थीम्स हैं यहाँ पर, जिसमें से थीम नंबर 2 एंड थीम नंबर 5 आप देख सकते हैं. यहाँ पे थीम नंबर 2 और 5 को मैंने मार्क किया हुआ है. थीम नंबर 2 एंड 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इन्हें जब आप लिखेंगे तो इन्हें इसी साइंटिफिक वे में आपको लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर दी गई हैं उसको उसी तरीके से आपको समझते हुए लिखना है, स्पेशली थीम नंबर 2 में. थीम नंबर 3 और 4 बिहेवियर वाला जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसके आंसर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे B1 और B2 मार्क किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपको बिहेवियर वाले पॉइंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आंसर्स मिलेंगे. जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आंसर्स मिल जाते हैं कि बिहेवियर हमारे ह्यूमन फंक्शनिंग का किस तरह से पार्ट है, किस तरह से हमें अफेक्ट करता है, जो कुछ भी है. यहाँ से आपको आंसर्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे. तो ये दो थीम उस तरह से आपके काम आ सकती हैं, और वैसे आपको तो सभी पढ़नी होंगी, लेकिन 2 और 5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कम्स बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी. इसमें साइकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन है, यहाँ से ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है. आगे हम बात करते हैं साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन की, तो ये भी कुछ कुछ टॉपिक उसी तरह से कनेक्ट हो जाता है जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं. वापस हम पीछे आ रहे हैं, देखिए इस टॉपिक पर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी. तो यहाँ पर जब हम ब्रांचेस के बारे में ढंग से पढ़ लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर हमें काफ़ी इजी हो जाता है इस पॉइंट को समझना कि फिलॉसफी से साइकोलॉजी किस तरह से कनेक्टेड है, या कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से साइकोलॉजी का यूज़ होता है. तो आप देख सकते हैं, एक पिक्चर आपको दी हुई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे इसकी ब्रांचेस के बारे में बात की गई है किस तरह से इन सबसे कनेक्टेड है. और इसमें कंप्यूटर साइंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो साइकोलॉजी में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, या किस तरह से अपना रोल प्ले करता है. और एक क्वेश्चन फिलॉसफी से भी बन जाता है कि फिलॉसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी से ही ओरिजिनेट हुई है. तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखना भी ईजी हो जाता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इसमें हम हिस्ट्री वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं. फिलॉसफी में हम जो भी पॉइंट्स हमने पीछे हिस्ट्री के पढ़े हैं, या जो भी हम वो बॉक्स की बात कर रहे थे, वहाँ से काफ़ी पॉइंट्स हम जो है वो उठा सकते हैं फिलॉसफी में कनेक्ट करने के लिए. देन कंप्यूटर साइंस का जो है पॉइंट है, इसमें भी हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो साइकोलॉजी में ये किस तरह से यूज़फुल होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पर ये एक टॉपिक हम कवर कर लेते हैं. देन काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स. देखिए यहाँ पर है म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, तो म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में किस तरह से यूज़ होता है. ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, और बहुत ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी जुड़े होते हैं. आप कंप्यूटर साइंस का आप यूज़ करते हैं, एजुकेशन से आप खुद भी जुड़े हुए हैं, और मास कम्युनिकेशन में किस तरह से हेल्प करता है, सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी यूज़ होती है. तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं. देन साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, आपके सिलेबस में मेनली 5 के बारे में दिया हुआ है, 5 दिए हुए हैं. तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है. इनमें ये क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा कि क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है. तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं, ये पॉइंट्स हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन बनता है. आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन ये कनेक्ट होता है सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी, व्हाट इज़ साइकोलॉजी से, जो हमने शुरू में बात की थी. ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं यहाँ से कि साइकोलॉजी लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकती है, या साइकोलॉजी ने हमारी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव किया है, या क्या यूज़ है हमारी एवरीडे लाइफ में साइकोलॉजी का. तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें टॉपिक में से बन जाते हैं. तो इस तरह से ये चैप्टर 1 हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिनिश होने के साथ ही आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं. पहला एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बिहेवियर का है, व्हाट इज़ बिहेवियर, व्हाट एग्जांपल ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. देन एवोल्यूशन के बारे में भी पूछा है, वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, उन्हीं में से इसका सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. लेकिन इसके अलावा भी, ये तो सिलेबस के क्वेश्चन है, इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस चैप्टर में से बनते हैं वो हमने आज डिस्कस किए. तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा. अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी भी कंफ्यूजन है, या कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से हम आपके आंसर्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क. थैंक यू सो मच, बाय बाय.